दिल्ली में आपको पता होगा कि इस टाइम पे हर गली हर मोहल्ले में प्रोटेस्ट चल रहा है, जो कि शायद किसी को दिख नहीं रहा। शाहीन बाग की सब औरत परेशान है, 36 दिन हो गया, तो हम चांदबाग की औरत क्यों ना निकले। जाफराबाद को एक हिंसा के रूप में पेश किया जाता है, जाफराबाद हिंसा, जाफराबाद हिंसा। अगर 10 मिनट की कोई ऐसी आनाकानी हुई, जाफराबाद हिंसा। लेकिन जाफराबाद में एक जो शिक्षा की क्रांति है और एक जो अवेयरनेस है, एक जो भारत को लेकर एक इसके अंदर अवेयरनेस आती है कि हाँ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो हो रहा है वो गलत है, उस चीज़ को मीडिया कवरेज नहीं करता। एक्चुअली ये कोई संस्था या कुछ नहीं है, ये हम यहाँ के लोकल लोग हैं और हमें बाहर से हमारे फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया है, यहाँ की लोकल औरतों ने बहुत सपोर्ट किया है। हम ये नहीं कह सकते कि जाफराबाद की औरतें एजुकेटेड नहीं हैं, जाफराबाद की औरतें सीलमपुर की औरतों को समझ नहीं है। उन लोगों को हमने समझाया तो वो पहले दिन से हमारे साथ जुड़ी है और हमसे ज़्यादा शायद उनकी मेहनत है, क्योंकि हम लोग तो स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों के पास कुछ काम नहीं है, फैमिली नहीं है, बट उनके फैमिली है, उनके हस्बैंड है, उनके बच्चे हैं और उसके बावजूद वो हमारे साथ रहे हैं। हमने पहले गलियों में जाके लोगों को मतलब इकट्ठा किया और रैलीस की, हमें पुलिस ने बहुत रोका, बहुत बैन लगाया, हमें शोर नहीं मचाने दिया, नारे नहीं लगाने दिए। उसके बाद से जब बहुत ज़्यादा फोर्स बुला ली गई तो हमने ये चीज़ दो तीन दिन के लिए बंद करी और फिर हमने सोचा कि हम रात में कैंडल मार्च स्टार्ट करेंगे। फिर हमने एक हफ्ते तक कैंडल मार्च की, फिर जैसे जैसे हम लोग कैंडल मार्च लेके जाते थे और लोग हमें देखते थे तो वहाँ से अपने आप ही जुड़ते जाते थे, तो हम लोगों को फिर किसी को कुछ कहना नहीं पड़ा, कुछ सुनना नहीं पड़ा और लोग हमारी हिम्मत देख के खुद ही अपने आप वॉलंटियरी ज्वाइन करते रहे। और जब हमने देखा कि हमारे साथ 600-700 लेडीज़ हो गई हैं तो फिर हमने एकदम से डिसाइड किया कि हम शाहीन बाग की तरह धरना दे देते हैं। 500-500 में लाकर आप रोज़ाना नहीं बिठा सकते हैं किसी को, आप किसी की नेशनलिटी छीनेंगे वो बिलबिला के घर से निकलेगा। आप गोदी मीडिया जो सारा का सारा बिका हुआ है, आप कैसे हमें पेडिट कह सकते हैं? पेडिट आप हैं। हमें इन सरकार में शर्म आ रही है, ये कैसे सरकार है? आज से पहले कोई भी सरकार आई, किसी ने कभी भी उन पे उंगली नहीं उठाई। आज छोटे छोटे बच्चे थू थू कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। पहली बात ये कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ है वो बेटी? सड़कों पे बेटी निकली पड़ी है। हम यहाँ पे पूरी दिन बैठते हैं, जब रात का 3 बजता है तो अपने घर जाते हैं, थोड़ी सी नींद पूरी करते हैं। मैं घर में अकेली हूँ, एक मेरे हस्बैंड है, 2 बेटी, मेरी एक बेटा है, बेटी मेरी 12 साल की है, 10 साल की है, दोनों को स्कूल भेज के और फिर सुबह आती हूँ, फिर 1 घंटे के लिए जाती हूँ, खाना बनाती हूँ, खाना बना के हस्बैंड को खिला के खा के फिर यहाँ आती हूँ, फिर शाम को जाती हूँ ट्यूशन भेजने के लिए। मतलब अकेली औरत का यह हाल बना दिया मोदी जी ने, जीना हराम कर दिया जिसे कहते हैं। हमारा अंदर प्रोटेस्ट इतने दिनों से चल रहा है, पीसफुली मार्च लेके गए, मुंह पे पट्टी बांध दी हमने काली, हाथों पे पट्टियाँ बांध दी, काले कपड़े पहने कि हम ना कुछ बोलेंगे ना हम कुछ करेंगे, और हमारे हाथ में पावर भी नहीं है। जो तुमने हमें करके दिखाया है ना कि देखो इन लोगों ने ऐसा करा, नहीं, वो जाफराबाद वालों ने नहीं करा, वो किसी का कराया गया था। जो जाफराबाद वाले कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं, यहाँ ये कर रहे हैं जाफराबाद वाले, और सीलमपुर वाले जो कर रहे हैं वो पीसफुल प्रोटेस्ट था, वो कर रहे हैं। जाफराबाद वाले जो कर रहे हैं वो चेन बनाकर जिस तरीके से कैंडल मार्च निकाल रहे हैं वो कर रहे हैं। ये है जाफराबाद की झलक। करदमपुरी में परसों रात से प्रोटेस्ट स्टार्ट है और यहाँ तक कि सिर्फ अनाउंस किया गया था, किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी गई थी कि कोई आओ आओ आओ, बुलाया किसी को नहीं गया, सब यहाँ पर खुद अपनी मर्जी से आए हुए हैं, जिसे समझ है कि हाँ ये उनके हक के लिए ही हो रहा है वही यहाँ पर आके बैठे हुए हैं। हम अपनी नागरिकता क्यों दें ये बता दीजिए, हमें सारी ज़िंदगी, हमारे बच्चे और हम यहीं पैदा हुए हैं हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में आज मोदी सरकार जो है वो कह रही है हम CA लागू कर रहे हैं और आपको नागरिकता देंगे, हम किसी भी तरह का नागरिकता प्रमाण अपना किसी तरह नहीं देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी तादाद में महिलाएं अपने घरों से निकल कर आई हैं, और आप जानते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को पर्दे में रहना सबसे ज़्यादा चाहिए, लेकिन आज हम लोग अपना पर्दा छोड़ कर आए, तो इसलिए मतलब कुछ तो बात है, हम अपने घरों से निकल कर आए हैं। यहाँ पे भी अब शाहीन बाग ही बनाना चाहते हैं करदमपुरी को, यहाँ की औरतें भी शाहीन बाग की तरह लड़ना चाहते हैं। करदमपुरी हो या विजय पार्क हो या शाहदरा हो, कोई भी जगह हो, लेकिन हर जगह पे सिर्फ एक ही बात है कि NRC वापस लो। मुझे नहीं लगता ये मीडिया हमारा करदमपुरी के बारे में किसी भी तरह की लेडियों से के लिए ये प्रचार कर रही है, और हमारा प्रदर्शन बराबर चलता रहेगा। अगर हमारी मांग पूरी नहीं, हम यहीं मर जाएंगे अपनी सारी लेडीज़ है, हमारे बच्चे, और यहीं अपनी जान दे देंगे, लेकिन हम नागरिकता प्रूफ नहीं करेंगे।
हम लोग मुस्तफाबाद में 4 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तकरीबन यहाँ पे शुरू में हम 500-600 लोग थे, लेकिन अब हम 10,000 से भी ज़्यादा की तादाद में हैं। और हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि वो आके हमसे बात करें, और मुस्तफाबाद या शाहीन बाग में जो लोग ठंड में बैठे हैं, या हम लोग भूखे प्यासे अपना घर छोड़ के बैठे हैं, वो हमसे बात करें। कम से कम पूछे तो सही कि हम घरों से बाहर क्यों हैं। अब ये हमसे प्रूफ मांग रही हैं, जब 4 महीने 6 महीने पहले जब हमारे वोट डले थे और हमने उसी वोटर आईडी से हमने अपने वोट डाले थे, जब ये लोग कहाँ थे? प्रूफ होने के लिए हमारे पास 32 से प्रूफ है, मेरे पास है, इनके पास है, और बहुत लोगों के पास होंगे, लेकिन जो दूर दराज के गांवों में लोग हैं उनके पास नहीं होंगे। वो बेचारे हर 6 महीने में कमरा बदलते हैं, वो कहाँ से दिखाएंगे? जो सबूत हमें दिखाने से पड़ेंगे, क्या वो सबूत मोदी जी के पास है? क्या वो सबूत अमित साहब के पास है? हमें हमारे सवालों का जवाब दीजिए। वो हमसे सवाल करते हैं, इस वक्त हम उनसे सवाल करेंगे। अमित शाह ने बोला ना, हम 1 कदम पीछे नहीं हटेंगे, हम 10 कदम आगे चलेंगे, उससे आगे चलेंगे इंशाल्लाह, और हम जीतेंगे। हमारी मांग पूरी होगी, और जब तक मांग पूरी नहीं होगी, हमारे बच्चे, हमारी बूढ़िया, हमारी बीवियाँ, हमारे भाई बहन सब अपने सब बैठेंगे और सब सामना करेंगे इस चीज का, चाहे वो 1 साल के लिए बिठाए रखे, चाहे वो 2 साल के लिए बिठाए रखे, चाहे वो 6 महीने के लिए बिठाए रखे, हम यहाँ बैठेंगे। मुस्तफाबाद की औरतों ने उठाना है, संविधान बचाना है, संविधान बचाना है। पूरे चांदबाग के लोग यहीं आए हुए हैं, कम से कम 4-5 हज़ार आदमी हैं, लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं, बहुत तादाद में आए हुए हैं। लेडीज ऐसे बाहर आए क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पुलिस है, ठीक है, उनकी जो फोर्स है वो इतना ज़्यादा बिहेव कर रहे थे उल्टा सीधा। इवन आप अगर सड़क पे आ रहे हो तो 144 आपके ऊपर अप्लाई कर दिए कि कोई नहीं आएगा, जब हमें राइट है बोलने का तो बोलेंगे, आप हमारा राइट क्यों ले रहे हो? तो जब हमें लगा कि नहीं अब हद हो गई है और पुलिस कैसे कैसे बिहेव कर रही है जेंट्स के साथ, तो हमें लगा हमारे घर में बैठने का टाइम नहीं है। अगर क्योंकि हम अब नहीं बोलेंगे ना तो शायद हम कभी नहीं बोल पाएंगे। शाहीन बाग में जो औरतें संघर्ष कर रही हैं, क्या उन्हें सर्दी नहीं लगती? धरने पर जो बैठी हैं, क्या उन्हें सर्दी नहीं लगती? वो भी इंसान है। कहां मुसलमान औरतें अपने घरों से नहीं निकलती थी, और आज मोदी जी ने हमें रोड पे ला दिया। अब इतने बुरे दिन आ गए हैं हमारे, कहा था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, कब आएंगे अच्छे दिन? वैसे तो मेरा मायका खुरेजी का है और ससुराल मेरी यहीं खास चांदबाग की है। मैं 3 डेज से खुरेजी के प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व हो रही थी, तो वहाँ मेरे भाई और मेरे बहन बराबर 24 आवर्स ड्यूटी दे रहे हैं। तो मेरे भाई बहनों ने मुझे कहा कि बाजी तुम्हारा एरिया तो टोटल मोमडन से भरा पड़ा है, मुस्तफाबाद और चांदबाग भरा पड़ा है मोमडन से, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ का प्रोटेस्ट छोड़ो, वहाँ अपना प्रोटेस्ट शुरू करो। मैंने कहा हाँ, लेकिन मैंने कहा बाबू मैं तो यहाँ बुरखा ओढ़ती हूँ, घूंघट करती हूँ, पूरी गली में मैं सबसे इतना लंबा घूंघट करके रहती हूँ, मैं कैसे रोड पे जाके बैठूंगी? कहने लगी नहीं बाजी, घूंघट अपनी जगह, नज़रों की इज्जत अपनी जगह, लेकिन ये चीज़ ये हमारे राइट्स हैं। हम अपने आज तुम घूंघट में बैठी हो, घर में बैठी हो, तुमने अगले साल का सोचा है कि तुम अगले साल कहाँ किस कैंप में बैठी हुई होंगी? और हमने धूम में खड़ा होकर अपने बच्चों को छोड़ छोड़ के मोदी जी को वोट दिए हैं, तो ये दिन देखने के लिए दिए थे? हमारे सरदार भाई तो और बाकी जो हमारे हिंदू भाई हैं वो हमें सब मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कहूँगी सिर्फ मुसलमान ही सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर सबने लंगर करा और सबने अच्छे से खाया, सबको खिलाया, कोई ऐसा बंदा नहीं गया जो यहाँ से खा के नहीं गया हो। क्या मोदी जी से अगर कोई सवाल करे और वो सामने, पहली बात तो सामने ही नहीं आ रहे, सच बात तो ये कि सामने नहीं आ रहे, उनसे कोई ये सवाल क्यों नहीं कर रहे कि डिटेंशन कैंपों में जो खर्चा कर रहे हो, ये खर्चा क्या आप अपनी जनरेशन पे नहीं कर सकते, उनके डेवलपमेंट पे नहीं कर सकते, उनकी पढ़ाई पे, उनकी एजुकेशन पे नहीं कर सकते? इस पैसे को आप अगर आप पढ़ाई में, हॉस्पिटल में, कॉलेजेस में या फिर इंस्टीट्यूट खोलने में अगर करेंगे, अकेडमीज बनाने में करेंगे, तो मुझे नहीं लगता रुपया रुपया रहेगा, वो डॉलर बनेगा, इंशाल्लाह डॉलर बनेगा। अगर आप अपनी देश की जनता पे ना इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, करेंगे ना, जितना आप डिटेंशन सेंटर पे कर रहे हैं। मैंने खाली बचपन में मतलब सुना था कि कभी प्रोटेस्ट हुए थे, ये नहीं पता था, लेकिन आज मैं अपने भाई से खुद कह रही थी, गली गली में बच्चों की आवाज़ें, बड़ों की आवाज़ें, लेडीज़ों की आवाज़ें, ऐसा अब पता चलता है कि आज़ादी के टाइम लोगों ने क्या करा होगा अपनी आज़ादी के लिए। चलो हम अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गए, लेकिन ये जो हमारे देश के अंग्रेज हैं, उनके वजह से हमने अपने आप ही बुलाया है, उन अपने सर पर बिठाला है, जैसे हम बिठाना जानते हैं वैसे गिराना भी जानते हैं।